अभी हाल ही में जो आपका संघाई सहयोग संगठन है, जिसे आप लोग SCO भी कहते हैं, इसकी 21वीं बैठक आपकी तजाकिस्तान, आपने सुना होगा एक देश है तजाकिस्तान, यह आप लोग मैप में देख भी सकते हैं। देखिए हमारे प्यारा भारत एशिया में, और यहाँ आप देखेंगे तुर्कमेनिस्तान, और यहाँ आपको देखने को मिलेगा तजाकिस्तान। तो तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे, यहाँ आयोजित की गई थी, जिसमें आप देखेंगे कि जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों ने इसमें भाग लिया था। और हमारे देश की बात करें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया है, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कोरोना महामारी जब से आई हुई है तब से इस तरह की जो भी सम्मेलन हो रहे हैं, बैठक हो रही है, उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के संगठन देखिए जो भी है, और इनकी जो बैठक रहती है, और इस संगठन का जो उद्देश्य रहता है, और इस संगठन में जितने सदस्य रहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई, कौन सा देश कब शामिल किया गया, और खासकर जिस संगठन में भारत देश शामिल है, इनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। और आप देखिए कि हजारों संगठन है, आप देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई संगठन है, और आप देखिए राष्ट्रीय स्तर पर भी कई संगठन है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि सभी से क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते हैं। जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है या जिसकी बैठक होती है, तो उन्हीं से एक तरह से करंट का टॉपिक बन के आ जाता है, और कभी कभी इन संगठनों का इतिहास में से क्वेश्चंस आ जाता है, और इनके मेंबर से भी क्वेश्चंस पूछता रहता है। और इसके लिए मैं कई बार आप लोगों से बोल भी चुका हूं कि आप लोग एक काम कर सकते हैं, आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप उस परीक्षा के कम से कम 5 से 6 साल पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए, आप लोगों को मालूम चल जाएगा किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना, ये सभी आप लोग देख लेंगे वहां। ठीक है, तो टाइम मिलता है तो आप लोग जरूर, मुझे तो लगता है कि जब आप तैयारी करते हैं शुरू, उसी समय आप लोग इन संगठनों के बारे में, यानी कि आप कहिए कि अपने पाठ्यक्रम के बारे में परीक्षा, या फिर आप लोग पुराने क्वेश्चंस पेपर को देख लेना चाहिए। ठीक है, तो तजाकिस्तान के बारे में आप लोग जान लीजिए कुछ पॉइंट। आप सभी जानते हैं कि एशिया का ही देश है तजाकिस्तान, और इसकी राजधानी दुशांबे हो गई, और यहाँ की करेंसी की बात करें तो तजिकिस्तानी सोमोनिया की करेंसी हो गई। और यहाँ की अगर हम लोग पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या की बात करें तो 2019 के हिसाब से 93.94 लाख जनसंख्या है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से। आप समझ रहे हैं कि आप देखिए हमारे राज्यों की जनसंख्या इससे कहीं ज्यादा है। और यहाँ की अगर ऑफिशियल भाषा की बात करें तो तजिकी है, तजिकी यहाँ की भाषा है। और इसके बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप देखते हैं कि जब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि सभी देशों के बारे में बात कर रहे थे, सभी देशों की अवस्थिति देख रहे थे, तो कई लोगों के सवाल थे कि इतने सारे देशों के बारे में याद रख पाएंगे हम लोग। तो मैंने उस समय भी कहा था कि देखिए जब कोई देश चर्चा में रहता है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग रख लिया करेगा, और उसी से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके पड़ोसियों को भी देख लीजिए तजाकिस्तान के, तो एक तो सबसे पहले आप देखेंगे अफगानिस्तान है, और ये जो बैठक की गई थी इसमें सबसे केंद्रित विषय रहा है अफगानिस्तान, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ तालिबान का कब्जा हो चुका है, और तालिबान एक कट्टरपंथी सोच वाला संगठन है एक तरह से, और आप देखिए महिलाओं पर कई तरह के पाबंद लगाता है, उनकी आजादी को रोकता है, बच्ची पढ़ नहीं सकती है, नौकरी नहीं कर सकती हैं लड़कियां, और इनकी सजा पर भी हम लोगों ने बात की हुई थी, इनकी सजा भी ऊटपटांग है एक तरह से आप कह सकते हैं। अगर इनकी कोई बात नहीं मानता है तो आप देखिए इन्हें पत्थर से मार दिया जाता है, भयानक सजा दी जाती है एक तरह से। तो ये आप देख सकते हैं अफगानिस्तान हो गया। उसके बाद आप देखेंगे तो तजाकिस्तान का एक पड़ोसी देश चाइना भी है, और उसके ऊपर जाएंगे तो आप लोग किर्गिस्तान हो गया, उसके बाद आप देखेंगे उज्बेकिस्तान, ये आपको उज्बेकिस्तान देखने को मिलेगा, ये आपके किसके पड़ोसी है, तजाकिस्तान के। और यहां से आप देख लीजिए भारत भी है, और भारत के लिए अफगानिस्तान चिंता का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान में हम लोगों ने भारी निवेश भी किया हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा आप देखते हैं ना जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र था, अब तो आप देखते हैं जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, जो पाकिस्तान के कब्जे में हमारा हिस्सा, इससे हमारी सीमा लगती है अफगानिस्तान से,
और आप देखते हैं जम्मू कश्मीर हो या लद्दाख हो, यहाँ आतंकी घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं सबसे ज्यादा। तो यहाँ आतंकी घटनाएं बढ़ने की भी संभावना लगाई जा रही है, और पाकिस्तान का काफी करीबी भी माना जाता है तालिबान को। ठीक है, जैसा कि आप सभी को बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है कि इस बैठक में मुख्य रूप से आप देखेंगे, मुख्य रूप से अफगानिस्तान की वर्तमान परिस्थितियों और इसके वैश्विक नतीजों पर ध्यान केंद्रित किया गया इस बैठक में, क्योंकि आपको बता चुका हूं कि अफगानिस्तान में क्या हालत बना हुआ है, और आप सभी ने कुछ महीनों में देखा भी है कि एक तरह से क्या तबाही मची हुई थी। ईरान को इस बैठक में ईरान को संगठन की 9वें पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया है, और इससे पहले आपको बता दूं एक तरह से कि अभी तक आप देखेंगे इसमें 8 सदस्य हुआ करते थे। कौन कौन से थे इसमें? एससीओ एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिसमें 8 सदस्य हैं, जिसमें रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान और 4 आपके केंद्रीय एशियाई के देखने को मिलेंगे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। यानी कि अब देखिए ईरान को मिलाकर टोटल 9 सदस्य हो चुके हैं। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर भारत की बात करें हम लोग, तो भारत द्वारा कट्टरपंथ और उग्रवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए एक संयुक्त दृष्टिकोण के साथ संगठन के सभी देशों को एक साथ आने और आतंक के वित्त पोषण और सीमा पर आपार आतंकवाद को रोकने हेतु एक आचार संहिता तैयार करने का आग्रह किया गया है। किसकी तरफ से? भारत की तरफ से। और आपको बता दूं कि कोई भी देश है, आतंकवाद से कोई नहीं बचा हुआ है। आप देखिए कि 2000 सन 2000 के पहले आप जाएंगे तो अमेरिका आतंकवाद को मानता ही नहीं था, वो कहता था कि आतंकवाद कुछ होता ही नहीं है। लेकिन आप देखिए कि जब अमेरिका पर खुद आतंकी हमला हुआ, उसके बाद मालूम चला कि अच्छा आतंकवाद भी होता है। ये वैसा ही मामला है कि आप देखिए, दूसरा अगर वो कहते नहीं कि कोई समस्या किसी और पर आती है तो हमें आपको मजाक लगती है कि अच्छा ये समस्या नहीं, ये तो सब एक तरह से दिखावा है। लेकिन वही समस्या जब हमारे ऊपर आती है तब हमें मालूम चलता है कि अच्छा ये भी समस्या होती है, इस तरह की भी कोई समस्या होती है। तो वही हाल है आतंकवाद का। और आप देखिए भारत की बात कर लीजिए, भारत पर तो आप देखेंगे हम लोग एक तरह से 3 फ्रंट पर अब हमें जूझना पड़ रहा है। एक तो हमारा चाइना हमारा पड़ोसी है जिससे हमारे संबंध अच्छे नहीं है, और एक आप देख सकते हैं अफगानिस्तान में भी अब कैसे नहीं सकते हैं, समय आने पर मालूम चलेगा क्या हाल होता है। तालिबान भली कह रहा है कि हम सुधर गए हैं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है देख, क्योंकि आपने कुछ समय से देखा है किस तरह से इसने अपना बर्बरता रूप दिखाया हुआ है। और पाकिस्तान तो अब सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की क्या हालत बनी हुई है। और आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने जितनी बार इस तरह की हरकतें की हुई है उसे मुंह की खानी पड़ी, लेकिन आप वो जानते हैं ना कि सुधरने का नाम ही नहीं लेता है। भारत द्वारा मध्य एशिया में उदारवादी इस्लाम के महत्व पर जोर दिया गया और वित्तीय और व्यापार प्रवाह में रुकावट के कारण अफगान लोगों की आर्थिक समस्याएं बढ़ रही हैं, और अतः इस बैठक में अफगानिस्तान के सामने आ रही गंभीर मानवीय संकट पर चिंता व्यक्त की गई है। और अभी आपने देखा है कुछ समय पहले ये भी रिपोर्ट आई थी कि अफगानिस्तान में लोगों के पास कुछ समय के लिए ही खाने के लिए खाद्यान्न उपलब्ध है। आप देखिए भुखमरी की समस्या खड़ी हुई है अफगानिस्तान में, और भारत ने इस बात को भी चिन्हित किया है कि यदि अफगानिस्तान में विकास कार्य किए जाते हैं तो इससे ड्रग्स और अवैध हथियारों और मानव तस्करी का अनिंदित प्रभाव हो सकता है। और आप सभी को बता दूं कि अफगानिस्तान में जो तालिबान का कब्जा हुआ है, तालिबान का मुख्य आय का स्रोत यही है, ड्रग्स, अवैध हथियार, मानव तस्करी, इनसे ही सबसे ज्यादा आप देखेंगे ये अपना आय यानी कि पैसा कमाते हैं। भारत मध्य एशिया के साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, और भारत का मानना है कि सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। हम तो करते हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी इस बात को समझे तब तो। ठीक है, वही हाल है कि हमारा जैसे हमारा अपने घर के आसपास कोई पड़ोसी है, हम लोग बड़े अच्छे से रहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि पड़ोसी के घर में साफ सफाई रहे और हम लोग वहां भी साफ सफाई करवा देते हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी आप देखते होंगे कि वो अपने यहाँ का कचरा लेता है और हमारे यहाँ फेंक देता है। तो वही हमारे आजकल पड़ोसी जो भी देश है इनका यही हाल है। अगर हम लोग संघाई सहयोग संगठन के बारे में बात करें, एससीओ के बारे में, तो यह एक अंतर सरकारी स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी, सन 2001 में की गई थी, और एससीओ चार्टर वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किया गया था और इसे वर्ष 2003 में लागू किया गया था। तो यहाँ 3 पॉइंट सबसे जरूरी आप लोग याद रखिएगा। इसकी स्थापना सन 2001 में होती है,
और एससीओ का जो चार्टर था इस पर 2002 में हस्ताक्षरित किए जाते हैं और इसे 2003 में लागू किया जाता है। तो इन तीनों डेटों को याद रखिए। यह एक यूरेशियाई राजनीतिक और आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य इस क्षेत्र में शांति सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है और इसे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के प्रतिकार के रूप में भी देखा जा सकता है। यह 9 सदस्यीय आर्थिक और सुरक्षा ब्लॉक है और सबसे बड़े अंतर क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में से एक के रूप में उभरा है। और आधिकारिक भाषा की बात करें तो रूस और इसकी रूसी और चीनी है, इन भाषाओं को भी याद रखिएगा। और स्थानीय निकाय यानी कि एससीओ सचिवालय की बात करें तो बीजिंग चाइना में आपको देखने को मिलेगा। और क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की कार्यकारी समिति ताशकंद में आपको देखने को मिलेगी, तो ये भी याद रखिएगा। अध्यक्षता की अगर हम बात करें तो इसकी अध्यक्षता सदस्य देशों द्वारा बारी बारी से एक वर्ष के लिए की जाती है, यानी कि इस बार आपने कर ली अगली बार दूसरा करेगा, इस तरह से होती रहती है। सन 2001 में एससीओ के गठन से पूर्व कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान संघाई फाइव के सदस्य थे और संघाई फाइव 1996 की उत्पत्ति, सीमा निर्धारण, सीमांकन और विसैन्यीकरण पर वार्ताओं का एक श्रृंखला के बाद हुई थी। ये वार्ताएं चार पूर्व सोवियत गणराज्य द्वारा चीन के साथ सीमाओं पर स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। फिर आप देखेंगे सन 2001 में उज्बेकिस्तान के संगठन में शामिल होने के बाद संघाई फाइव का नाम बदलकर संघाई सहयोग संगठन कर दिया गया था। यानी कि कह सकते हैं आप लोग कि जो वर्तमान इसका स्वरूप है, जिसे आप लोग संघाई सहयोग संगठन के नाम से जानते हैं, एससीओ के नाम से जानते हैं, ये आपका सन 2001 में ही आता है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान को सन 2017 में इसका सदस्य बनाया गया था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। हमारे साथ पड़ोसी हमारा जो पाकिस्तान है, इसे भी इसमें शामिल किया गया था। और ईरान एससीओ का नौवां सदस्य और सबसे नया सदस्य बनाया गया है। और 2005 में भारत को एससीओ में एक पर्यवेक्षक बनाया गया था और इसमें सामान्यता समूह की मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया है जो मुख्य रूप से यूरेशियाई क्षेत्र में सुरक्षा आर्थिक सहयोग पर केंद्रित होती है। अगर हम लोग इसके बारे में कुछ और भी पॉइंट है, इन्हें भी आप लोग देख लीजिएगा। अगर हम लोग एससीओ के लक्ष्य की बात करें तो इसका लक्ष्य मेन है यही कि सदस्य देशों में परस्पर विश्वास और सद्भाव को मजबूत करना। और हमारी विदेश नीति आप लोग देखेंगे तो उसमें इन शब्दों को आप लोगों को भली भांति आप देखिए उसे महत्व दिया गया है। वही कह रहा हूं कि हम लोग तो हर संभव कोशिश करते हैं कि हम अपने पड़ोसियों से संबंध बना के रखें, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पड़ोसी इस तरह के नालायक निकल आते हैं कि वो इस लायक होते ही नहीं, वो कुछ ना कुछ हरकतें करते रहते हैं। अब चाइना को देख लीजिए आप लोग पाकिस्तान को देख लीजिए। कुछ समय पहले तक आप देखिए नेपाल ठीक था, आजकल आप देखिए नेपाल भी उसी हरकतें करने लगा है, तो ये देख सकते हैं। और इसका एक और लक्ष्य आप देख सकते हैं राजनीतिक, व्यापार और अर्थव्यवस्था, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में सहयोग को बढ़ावा देना है और शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण में सहयोग को बढ़ावा, क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता बनाए रखना। अगर आपसे देखिए आप लोग कई स्टेट पीसीएस आप देखते हैं कि 3 नंबर 6 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे आप एमपीपीएससी की बात कर लीजिए, तो कभी अगर एससीओ के लक्ष्य पूछता है तो आप लोग इन्हें लिख सकते हो वहाँ, या फिर आप देखिए प्रीलिम्स में यानी कि सिविल सर्विस प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या मुख्य परीक्षा में किसी भी तरह से क्वेश्चन आए तो इन्हें इन लक्ष्य को आप लोग याद रख सकते हैं। अगर हम लोग इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें आप देखेंगे एससीओ क्या है, एससीओ एससीओ के अंतर्गत वैश्विक जनसंख्या का 40% और वैश्विक जीडीपी का 20% और वैश्विक के कुल भूभाग का 22% शामिल है, क्योंकि आप सभी जानते हैं चाइना पहले नंबर पर जनसंख्या में, भारत दूसरे नंबर पर जनसंख्या है और भारत और चाइना दोनों इसमें शामिल है, तो आप समझ सकते हैं कि आधे से अधिक जनसंख्या दो इसी में शामिल हो गई। तो आप देख सकते हैं कि सामान्यतः वैश्विक जनसंख्या यानी कि विश्व की कुल जनसंख्या का 40% भाग एससीओ के अंतर्गत आता है और वैश्विक जीडीपी का बात करें तो 20% और वैश्व के कुल भूभाग का 22% शामिल है, इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। भौगोलिक महत्व के चलते एशियाई क्षेत्रों में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और एससीओ को पूर्ण नाटो, पूर्व का नाटो भी कहा जाता है, तो ये आपसे वन डे एग्जाम में भी पूछ लेगा कि पूर्व का नाटो किस संगठन को कहा जाता है, तो एससीओ को। एससीओ के समक्ष अगर प्रमुख चुनौतियों की बात करें तो आतंकवाद हो गया, अलगाववाद का मुकाबला करना, मादक पदार्थों व हथियारों की तस्करी रोकना, अवैध प्रवासन की रोकथाम करना,
और भौगोलिक रूप से निकटता होती हुए भी संगठन के सदस्यों के इतिहास, पृष्ठभूमि, भाषा, राष्ट्रीय हितों और संस्कृति के रूप में विविधता SEO के निर्णय लेने की प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण बनाती है। तो ये आपके शंघाई सहयोग संगठन के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। और भारत के लिए अगर हम लोग इसके महत्व की बात करें कि भारत के लिए महत्व क्यों रखता है, तो आप देखेंगे यह दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें रूस, चीन के बाद भारत तीसरा बड़ा देश है, और भारत का अंतर्राष्ट्रीय महत्व इस संगठन में शामिल होने से बड़ा है। भारत के राष्ट्रीय हित में, जैसे आप देख सकते हैं, केंद्रीय एशिया से जोड़कर ऊर्जा सुरक्षा, प्राकृतिक तेल गैस भंडार, यूरेनियम के भंडार, आतंकवाद पर सहयोग को बढ़ाना और व्यापारिक रिश्ते मजबूत करना को संबोधित करने में एक तरह से शामिल है ये सभी। और SEO की क्षेत्रीय आतंकवादी रोधी संरचना के माध्यम से भारत गुप्त सूचनाएं साझा करने, प्रौद्योगिकी के विकास के कार्य में कार्य कर आतंकवाद विरोधी क्षमताओं में सुधार कर सकता है, भारत रूस के साथ रिश्ते मजबूत कर सकता है। और आप सभी जानते हैं कि रूस हमारा बहुत पुराना एक तरह से मित्र है। चीन रूस के परंपरागत प्रभाव वाले क्षेत्र केंद्रीय एशिया में सक्रिय भूमिका निभा सकता है, कौन, भारत की बात करें। और SEO में होने से भारत के सामने चुनौतियां क्या हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक तरह से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। अब नुकसान भी देख लीजिए, SEO का रूप कई मामलों में पश्चिम विरोधी है, और इसकी वजह से भारत को पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते तनावपूर्ण हो सकते हैं। रूस और चीन का SEO में खासा प्रभाव है, दोनों सह संस्थापक सदस्य भी हैं, ऐसे में भारत के लिए संगठन में नेतृत्वकारी भूमिका के निर्वहन के अवसर कम है। और चाइना, आप जानते हैं कि हमारा कभी भला सोच ही नहीं सकता है, तो ये भी एक तरह से चिंता का कारण है। चलिए, तो यही कहानी आपकी SEO की, यानी कि शंघाई सहयोग संगठन की। और इस तरह के जो भी संगठन हुआ करें, कभी मीटिंग होती है, बैठक होती है, तो उनके बारे में एक विस्तार से जानकारी अपने पास इकट्ठी कर लिया करिए। अगर क्वेश्चन पूछता है तो आसानी से आप लोग आंसर दे सकें, फिर चाहे आपका मुख्य परीक्षा हो या प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन आए। ठीक।